हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब मज़े में हंसी खुशी में होंगे। रमज़ान चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो एनर्जी मेरी वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अमूमन जो रोज़े रमज़ान में जो होता है वो एनर्जी जो है वो डाउन ही रहती है, लेकिन अब यूट्यूब की भी जिम्मेदारी थी तो काम तो करना ही था। तो मैंने कहा कि छोटी सी आपको मैं अपडेट दे दूँ अपनी समर वेजिटेबल्स के हवाले से। देखें, आई हैव सब सक्सेस, मुझे कुछ सक्सेस भी मिली है और कुछ अनसक्सेसफुल भी रहा हूँ, तो मैं दोनों ही आपसे शेयर करता हूँ। देखें, ये बेसिकली शिमला मिर्च के बीज थे जो मैंने 25 फरवरी को सो किए थे। आई डोंट नो, इनकी ग्रोथ थोड़ी सी जो है वो स्लो है, लेकिन ये बढ़ रहे हैं, मेरे लीव्स मज़ीद भी आना शुरू हो गए हैं। आई गेस ये शायद अब रिपोर्टिंग के लिए जो है वो रेडी है, लेकिन मैंने इनकी जो है सॉइल प्रिपेयर नहीं की हुई। मुझे एक हफ़्ता लग जाएगा उनकी सॉइल प्रिपेयर करते हुए। रीज़न अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्यों एक हफ़्ता लगेगा। ये सारे जो हैं शिमला मिर्च के हैं बीज। ये है लाल मिर्च के बीज मैंने लगाए थे, ये लगाए थे गालिबन 18/3 को, और ये भी मैंने 18/3 को लगाए थे। ये करेले के थे, इम्पोर्टेड थे ये, बेसिकली करेले के ये वाले जो बीज हैं, ये जो दो लाइन हैं ये करेले की थी। इसमें से सिर्फ एक स्प्राउट हुआ अभी तक, आई डोंट नो क्या रीज़न है, बाकी नहीं। और ये जो है कद्दू के हैं दो लाइंस, ये मेरे ख्याल से अभी तक इसमें से कोई स्प्राउट हुआ, और मुझे अब कोई लग रहा है कि होगा भी नहीं, क्योंकि इतना टाइम लगता नहीं है इनको स्प्राउट होने में। ये भिंडी के हैं, ये बेसिकली अच्छी तरह की जो है वो जर्मिनेशन हो गई है। अभी इसमें तीसरा लीव नहीं आया, लेकिन मैं इसको कोशिश करूँगा कि इसी हालात में जो वो बड़े ग्रो बैग में जो है वो शिफ्ट कर दूँ। आई नो आप लोग कहते होंगे कि भाई तीसरे लीव आप थर्ड लीव जो रूल हैं उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन मैं अब ख़तरों का खिलाड़ी तो हूँ ही, तो इसको मैं कर दूँगा शिफ्ट इसी तरह, देखेंगे क्या इसका रिज़ल्ट आता है। बाकी ये मैंने लगाया था बर्ड पैराडाइज 25/2 को लगाया था, ये दो बीज है इसमें, लेकिन इन दोनों में कोई भी ग्रोथ नहीं मुझे नज़र आ रही है। और मे बी शायद जो बर्ड पैराडाइज के जो प्लांट्स होते हैं उनको टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। खैर, ये तो ऑफ टॉपिक के बाद। और ये है लाल मूली के पूरी ट्रे, इसमें मैंने लाल मूली के बीज लगाए थे 25/2 को। ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये ग्रो कर जाएंगे, अब मेरे ख्याल से शायद इनका मौसम जो है वो नहीं है। खैर, बाकी जो 25/2 को मैंने खीरे के लगाए थे बीज, उनकी मैं आपको जो है अपडेट बताता हूँ, उनकी मैं ग्रोथ बताता हूँ आपको, बेयर विद मी। ये जनाब हैं खीरे के जो जो प्लांट थे जो मैंने बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट किए थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं। इनके लीव्स के साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े मेरे हाथ से जितने तकरीबन इनके लीव्स के साइज़ है। इनकी ये बेलें बनना भी ये स्टार्ट हो गई, अब ये शायद ऊपर से मुझे इनको सहारा देना पड़ेगा ट्रेलिस के साथ, तो ये ऊपर चढ़ेंगी, और फ्रूटिंग पे में भी ये शायद एक या दो वीक में ये फ्रूटिंग भी देना शुरू कर देगी। बाकी मेरे पास ये एक मैंने लगाया था टमाटर का, इसकी एक अभी तक ये निकला है, हाँ फ्रूट ये छोटा सा ये भी निकलेगा। एक और टमाटर का लगाया था मैंने, इसमें फ्रूटिंग हो गई हुई है, ये देखें इसमें ये फ्रूटिंग है, ये भी शायद एक दो दिनों तक जो है ये एक दो दिनों तक ये भी लाल हो जाएंगे, क्योंकि गर्मी से इनको थोड़ी सी पड़ी तो ये लाल हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल इतना ही इस वीडियो में, बाकी मैं मज़ीद आपसे अपडेट शेयर करता रहूँगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इस ख़ास मुबारक मौके में, इस मुबारक महीने में अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मैं आपको फिर मिलूँगा किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।